Good morning students, welcome to our today's maths online class. As you all know, in the previous class we have started with our new chapter number 4, shapes. We will continue our chapter in today's classwork, but today's classwork you have to do it in your books. Aaj ka jo ye sara classwork hai ye aap apni books pe karenge. First of all you have to write today's date and day in your books. ठीक है, what is the topic for today? Topic number B, color the shape that is the same as the first shape in each row. आपने कौन सी shape को coloring करनी है? Coloring तो आप सबको आती है ना करनी, तो आपने किस shape में color करना है? ये first shape देख रहे हो आप, इन four shapes में से ऐसी shape आपने match करके ढूँढनी है और उसमें coloring करनी है. ठीक है, सम शेप्स हैव बीन रोटेटेड और फ्लिप्ड. इसका क्या मीनिंग है? जो फर्स्ट शेप के साथ इनमें से जो आप शेप मैच करोगे वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, तो वो आपको ढूंढना है कि वो कौन सी शेप है जो इस शेप के साथ मैच कर रही है. तो उनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दी हो सकती है, स्लांटिंग वे में दी हो सकती है, या अपसाइड डाउन ड्रॉ की हो सकती है. अपसाइड डाउन यानी कि उस शेप को उल्टा करके ड्रॉ किया हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है. और आप उसको किस बेसिस पे मैच करोगे? यू कैन मैच इट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स. उस शेप की कितनी साइड्स हैं उस बेसिस पे मैच कर सकते हो, या फिर प्रीवियस क्लास में हमने नेमिंग की थी उस बेसिस पे मैच कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. देखो ये फर्स्ट शेप है, इस शेप की आपने नेमिंग नहीं की है, तो लेट्स काउंट द साइड्स. 1 2 3 4 5 6, इस शेप की 6 साइड्स हैं. लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6, हमारी फर्स्ट शेप ही इसके साथ मैच कर रही है. फिर भी आप इन सारी शेप्स की साइड्स को काउंट करके देख सकते हो. सो लेट्स कलर आवर फर्स्ट शेप. बहुत ही नीटली आपने कलरिंग करनी है बुक्स में, एंड ओनली विद क्रियॉन्स और पेंसिल कलर्स. नो स्केचेस आर अलाउड. ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरी शेप को कलर करना है. मैंने थोड़ा सा कलरिंग की है, बट आप पूरा कलर करोगे. ठीक है, देन सेकेंड शेप. इस शेप को आपने नेमिंग की थी अपने प्रीवियस क्लास में. वॉट इज़ दिस शेप? येस, इट्स अ रेक्टेंगल. तो इन फोर शेप्स में से रेक्टेंगल कौन सा है? दिस वन. सो लेट्स कलर दिस. ठीक है, आपको समझ आ गया ना क्या करना है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. कलरिंग तो आप सब करते हो, तो ऐसे ही आपने मैच करके कलर करना है. देन थर्ड शेप देखो, इट्स अ 3/4 सर्कल. ठीक है, वन पार्ट मिसिंग है ना सर्कल का, ये कंप्लीट सर्कल बन जाता. वन पार्ट मिसिंग है, दैट मीन्स इट्स अ 3/4 सर्कल. अब देखो इनमें से कौन सी शेप मैच कर रही है? दिस वन. ठीक है, इसमें से वन पार्ट मिसिंग है क्योंकि ये उल्टा ड्रॉ किया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है. बट वो हमने पहले ही बोल दिया था कि शेप को उल्टा भी ड्रॉ किया हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज़ आर क्लास वर्क फॉर टुडे. ठीक है, ये आपने सारा कलर करना है शेप को, जो शेप उससे मैच करेगी. सो लेट्स सी व्हाट इज़ आर होमवर्क फॉर टुडे. डू दिस वर्क नीटली इन द बुक. ये जो आज का क्लास वर्क है ये आपने कॉपीज पे नहीं अपनी बुक्स पे करना है. ठीक है, देन सेकेंड, डू पार्ट ए एंड पार्ट बी इन योर बुक. पार्ट ए वो नेमिंग के बेसिस पे है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में कॉपीज पे किया था, नेमिंग की थी ना, बस आपने शेप्स को नंबरिंग करके मैच करना है, देन नेमिंग करनी है. थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका. देन पार्ट बी, पार्ट बी क्या है? सेम जो हमने ये आज का क्लास वर्क किया. ठीक है,
अब बुक में क्या करना है आपने, होमवर्क क्या है, क्वेश्चन डी टू एफ, ये हमने क्या किया है, ए बी सी पार्ट्स किए हैं। होमवर्क में क्या करना है, डी ई एंड एफ पार्ट करना है। ठीक है, थैंक यू।